बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि आप किस तरीके से साड़ी को स्टिचिंग और कटिंग करेंगे साड़ी की। तो ये देखिए, हमने दुपट्टा यूज़ कर रहे हैं। दुपट्टे को यूज़ करके व्यूअर्स हम साड़ी बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारा एम्ब्रॉयड्री हुआ है दुपट्टे पर, जो एम्ब्रॉयड्री हुई है इसे हम यूज़ करेंगे, दुपट्टे को यूज़ करेंगे ताकि हम साड़ी बना सकें। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमने 4 मीटर कपड़ा लिया है, ये देखिए, इसे हम अटैच करेंगे। सेम कलर हमने लेना है और ये जो हमारी एक साइड बॉर्डर है दुपट्टे का, इसे हम कटिंग कर इसमें अटैच कर देंगे प्लेन कपड़ा। और ये देखिए व्यूअर्स, 5 इंचेस जो है हमने प्लेट्स देनी है, तो हम 5 इंचेस की प्लेट्स देंगे इधर। और ये 5 इंचेस की प्लेट्स हमने तकरीबन 9 प्लेट्स देनी है, और इसे हमने हाफ हाफ इंचेस के गैप से एक दूसरे के ऊपर रखना है। ये देखिए, और ये अब हमने रख दी हैं, एक और देंगे। व्यूअर्स, ये हमने 9 प्लेट्स देनी हैं, टोटल 8 हो गई हैं। अब ये 9, ये लास्ट हमने प्लेट लगाई है, देखिए। अब इसके बाद आप देख रहे हैं 9 प्लेट्स हम दे लेंगे, और इसकी लेंथ अब आपको बताते हैं। जो हमारा कपड़ा है वो तकरीबन 37 इंचेस की हमने जो लेंथ बनानी है, उसे पूरा करने के लिए हमने बीच में कुछ प्लेट्स देनी है, थोड़े थोड़े से गैप देकर। और यहाँ हम कॉमन पिन लगा देंगे, थोड़ा सा फिर गैप देकर प्लेट देंगे एक छोटी सी। और आप देख रहे हैं व्यूअर्स, यहाँ हमने बेल्ट लगाना है। अब आपको बताएंगे, 37 इंचेस की हमने ये विड्थ लेनी है, तो हम एक और प्लेट दे देंगे यहाँ पर छोटी सी। और इसी तरीके से प्लेट्स देते जाएंगे, और 37 इंचेस की हमने बना लेनी है। और ये देखिए, 44 इंचेस जो है वो लेंथ है। देखिए, 44 इंचेस हमने लेंथ ली है कपड़े की। और अब आपको स्टिचिंग करना बताएंगे। तो जो पल्लू था हमारे दुपट्टे का, इसमें हमने प्लेन कपड़ा जो एक्स्ट्रा लिया है वो स्टिच कर लिया है बॉर्डर कटिंग कर एक साइड से, क्योंकि व्यूअर्स जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है दुपट्टे पे वो बहुत हैवी है, जिसकी वजह से ये स्लिप हो रहा है। अब हमने इसमें प्लेट्स देनी है, जिस तरीके से आपको पहले बताया है कि हमने प्लेट्स किस तरीके से देनी है, वैसे ही हम प्लेट्स देंगे। ये देखिए, 5 इंचेस की देनी है हमने, 9 प्लेट्स देकर इसे स्टिच करना है। आप 1 प्लेट उसे भी स्टिच कर सकते हैं, यानी 1 दे दें फिर स्टिच करें। देखिए, 5 इंचेस की हमने प्लेट दी है। नाइन प्लेट्स दे लेंगे व्यूअर्स, और उसके बाद ये हमने कॉमन पिन्स लगा दी हैं ताकि ये ठीक तरीके से जम जाएं। और अब हम आपको बताएंगे कि आपने बेल्ट किस तरीके से बनाना है। साड़ी बनाना बहुत ही ईजी होता है, बस इसमें बेल्ट और प्लेट्स मेन चीज़ होती हैं। तो ये हम आपको लेंथ बताते हैं। जो हमने प्लेन कपड़ा लिया है, 37 इंचेस लेंथ ली है, हमने इसमें चिप्स बुकरम चिपका दी है। जो चिप्स बुकरम हमने चिपकाई है वो 1.5 इंचेस विड्थ की है, और जो कपड़ा हमने लिया है वो 4 इंचेस विड्थ है उसकी। तो ये हमने चिपकाने के बाद इस तरीके से कपड़े को रखा है कि एक दूसरे के ऊपर आ रहा है, और आयन कर लिया है इसे। अब हमने जो एंड है एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमने लिया है, इस पर प्लेन कपड़े पर हमने एंड से इसे लगाना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम बेल्ट बना लेंगे, और फिर बेल्ट को साड़ी में अटैच कर देंगे। तो बेल्ट बनाने के लिए जो कपड़ा हमने फोल्ड किया है, हम इस पर स्टिच कर रहे हैं।
ताकि जो कपड़ा फोल्ड किया है वो अच्छे से जम जाए। और जब इस बेल्ट को हम साड़ी में लगाने लगें तो ये कपड़ा एक्स्ट्रा जो है वो बाहर ना आए। इसी तरीके से दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। और ये सिलाई हम व्यूअर्स एक पैर की सीध के साथ लगा रहे हैं, ये देखिए, ताकि बेल्ट जो है वो फ्रंट साइड से अच्छी लुक दे, इसीलिए सिलाई लगा ली है। अब इसे हमने कपड़े में लगाना है। तो ये देखें आप जिस तरीके से हम इसे अटैच करें, और क्योंकि हमने विड्थ जो है वो ठीक लेनी है तो इसीलिए हमने छोटी छोटी सी प्लेट्स भी सेंटर में डालते जाना है और फिर स्टिचिंग करती जाना है। इसी तरीके से एक और प्लेट देंगे। और ये एक और लास्ट प्लेट है जो हम दे रहे हैं और इसे स्टिच कर देंगे। स्टिच करते हुए आप देख रहे हैं व्यूअर्स, जहां हमने 5 इंचेस की प्लेट्स दी हम यहां तक आ चुके हैं। अब हमने इन प्लेट्स को ठीक तरीके से रख कर और ये देखिए इस तरीके से इनके ऊपर बेल्ट लगाना है। नीचे से भी सही कर लेंगे ताकि जो प्लेट्स हमने दी हुई हैं बिल्कुल ठीक ही रहें, ख़राब ना हो ज़रा सी भी। और इस पर ये स्टिच कर लेंगे, ये देखिए जो हमने कॉमन पिन्स लगाई हैं, पहले प्लेट्स को जमाने के लिए उन्हें निकाल कर स्टिच करेंगे ताकि जब हम स्टिचिंग कर रहे हों तो सुई को नुकसान ना हो। और आगे से जो कपड़ा एक्स्ट्रा है इसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए बेल्ट जो है वो लग चुका है। अब हमने इसे अंदर की साइड फोल्ड करके लगाना है, तो इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे। नीचे से एक बार फिर प्लेट्स जो हैं उन्हें ध्यान से लगाएंगे, यानी इसके ऊपर जो हमने बेल्ट रखा है, तो हमें नीचे से भी ख्याल रखना है कि जो हमारी प्लेट्स दी हुई हैं वो ख़राब ना हो और नीट बेल्ट बन जाए। ये देखिए बिल्कुल प्लेट्स ख़राब नहीं करनी है, नीट बनाना है, तो एहतियात से हम इसे लगा रहे हैं। और आगे भी जो छोटी छोटी सी प्लेट्स दी हुई हैं वहाँ भी हमने एहतियात से स्टिचिंग करनी है। और ये बेल्ट बन चुका है व्यूअर्स। अब हमने ये एक कपड़ा लिया है और इसकी हमने थोड़ी सी चौड़ी पट्टी कटिंग कर स्टिचिंग कर लेनी है इस पर। ये देखिए ये हमने स्टिचिंग कर ली है, अब इसे हमने सीधा कर लेना है। आप इसे किसी भी चीज़ की मदद से सीधा कर सकते हैं। ये देखिए सीधा कर लेंगे जब हमें इसे, तो फिर जो सिलाई हमने की है वो सेंटर में रखेंगे और इसे इस तरीके से लगा देंगे। आगे से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, देखिए थोड़ा सा फोल्ड करेंगे इसे, और बेल्ट पर हमने इसे स्टिच करना है। और इसमें भी हमने इसी तरीके से प्लेट्स देनी है। व्यूअर्स आप देखिए हमने ये किस तरीके से दी है, थोड़े थोड़े से गैप पर हमने चौड़ी चौड़ी सी प्लेट्स देनी है। और इस तरह इसे मुकम्मल कर लेंगे। दूसरी साइड भी इसी तरीके से हमने स्टिचिंग करनी है, तो पहले से हम ठीक तरीके से लगा देंगे। और ये देखिए दूसरी साइड भी हमने इसी तरीके से स्टिच करना है जिस तरीके से पहले किया है।
और लास्ट में सिलाई को अच्छे से पका कर लेंगे। और ये देखिए तैयार है। हुक्स के लिए व्यूअर्स ये हमने पट्टी बनाई है, और ये जो हमारा बेल्ट है वो लग चुका है। आपको इसकी लुक दिखा रहे हैं। अब व्यूअर्स हमने फॉल लगाना है साड़ी पर, तो हमने 5.5 इंचेस की चौड़ी पट्टी लेनी है, और जो लेंथ है इसकी वो हम अपनी साड़ी के हिसाब से ले रहे हैं। तो ये देखिए इसे हमने इस तरीके से नीचे लगाना है। और स्टिच कर जब हम ये स्टिचिंग मुकम्मल कर लेंगे तो इसे हमने फोल्ड कर तुरपाई कर लेनी है। और तुरपाई करने के बाद व्यूअर्स आप देख रहे हैं जो हमारी साड़ी होगी वो रेडी हो जाएगी। इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और आप देख रहे हैं व्यूअर्स जो कपड़ा है वो उसके धागे वगैरह नज़र आ रहे हैं। तो आप जब तुरपाई करने लगें तो इस तरीके से इस कपड़े को स्टिच कर लेंगे। हल्का सा हमने फोल्ड किया है, तकरीबन 1/2 इंचेस का है, और लगाने के बाद हमारी साड़ी कुछ इस तरह की रेडी हो जाएगी। व्यूअर्स उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह की बहुत सी वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन भी टच कीजिए, इससे आप नोटिफिकेशन हासिल कर सकेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।